बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रंगजेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज का जो रेसिपी है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने हाफ कप पानी को जो है चूल्हे पर चढ़ा लिया है, गर्म हो गया है तकरीबन। तो इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायची, तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद लौंग। हम बना रहे हैं मसाला टी। मसाला टी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है। यहाँ पर आज बहुत सर्दी है, ये अप्रैल की 23 हो गई है, लेकिन 2-3 दिन से फिर दोबारा सर्दी वापस आ गई है। अभी हमारा पानी गर्म हो चुका है, इसको 1-2 बॉयल आने देते हैं। इसमें ये तकरीबन 1/2 टीस्पून होगी पत्ती शामिल करते हैं चाय। हमारा कावा जो है रेडी हो चुका है, इसमें 1/2 कप दूध का शामिल करते हैं। और 1 चम्मच जो है शुगर, मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप चाहें तो वाइट शुगर भी ले सकते हैं। तो अभी इसको बिल्कुल हल्की आंच पर कर देते हैं। और हम बना रहे हैं एगलेस टोस्ट। तो इसके लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून जो है ये मक्खन लिया था, इनको 20 सेकंड के लिए मैंने ओवन में लगा दिया है क्योंकि ये फ्रिज में पड़ा हुआ था। इसमें 1.5 चम्मच जो है मैंने चीनी शामिल की है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मक्खन और चीनी, तो ये ब्रेड के ऊपर जो है लगा लेते हैं, लेप कर लेते हैं इस तरह। और दूसरी तरफ भी मैंने फ्राई पैन को गर्म कर लिया है। इस तरह मैंने दोनों तरफ इसको लेप किया है। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए 1 टेबलस्पून जो है दूध, 2 तरफ से भी देख लेते हैं अभी। बहुत जल्दी रेडी हो गए हैं, आग बंद कर गई और हमारी चाय भी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। हमारी मसाला टी भी रेडी हो चुकी है। मैं पत्ती थोड़ी कम ही पीता हूँ, आप अगर ज़्यादा पीते हैं, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसको कप में निकाल लेते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।